का बीजेपी क्या बोलेगी। बीजेपी तो जो हलकान स्थिति में भी है पता न कर लीजिए, कई नेताओं को रात की नींद नहीं आई है, इनका सारा पटाखा रखा रह गया, दिल्ली में मेगा तैयारी थी, इनको पता ही नहीं था कि जमीन नीचे से खिसक गया है। देश चलेगा मन की बात से नहीं, देश चलेगा काम की बात से। आरजेडी के दफ्तर में दो दिवसीय बैठक हो रहा था, आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, किस विषय को लेकर आप लोगों ने बैठक किया? देखिए, ये बैठक 5 जून को राज्यव्यापी धरना है, महंगाई नई शिक्षा नीति के खिलाफ और जाति आधारित गणना को हर हाल में आम लोगों की लड़ाई बनाने की दिशा में ये हमारा 5 जून को कार्यक्रम लगाए गए हैं। युवा राजद के साथ ही जिलों में, गांव और कस्बों में, पगडंडियों में जाकर करके लोगों को इन विषयों से अवगत कराएंगे। सब लोग आएंगे, धरने में शामिल होंगे, जाति की गणना आम की लड़ाई बनेगी, आम लोगों की लड़ाई बनेगी, क्योंकि शिक्षा, चिकित्सा, रोजी रोजगार से वंचित समाज की संख्या बहुयात है और हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो इस देश पर मनुस्मृति थोपना चाहते हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ। सुनो, बात समझो, जो बंच ऑफ थॉट लागू करना चाहते हैं, जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की जो मूल आत्मा है उस पर भारतीय जनता पार्टी प्रहार कर रही है। देश चलेगा मन की बात से नहीं, देश चलेगा काम की बात से, और काम की बात वही करेगा जो संविधान को मानेगा, जो संविधान के अनुरूप काम करेगा काम की बात होगा, मन की जो बात करेगा बंच ऑफ थॉट वाला वो देश स्वीकार नहीं करेगा। कर्नाटक का चुनाव के बाद बीजेपी कह रही है ना कि बीजेपी ये कह रही सकती जी कि केवल एक जगह से नहीं, आप यूपी में जाके देख लीजिए और पूरा देश देखिए। अरे कब बीजेपी क्या बोलेगी, बीजेपी तो जो हलकान स्थिति में भी है पता न कर लीजिए, कई नेताओं को रात की नींद नहीं आई है, इनका सारा पटाखा रखा रह गया, दिल्ली में मेगा तैयारी थी, इनको पता ही नहीं था कि जमीन नीचे से खिसक गया है। अंदाज़ा लगने चाहिए, हकीकत का अंदाज़ा अब लगा होगा। ये देश उन्माद को बहुत दिनों तक सहन नहीं किया है, हमने साफ कहा देश की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है, अधिनायक बाद शक्तियाँ अगर कोई थोपना चाहती है उसे देश नहीं स्वीकार कर सकती है। कई अधिनायक बाद शक्तियों को देश ने बाहर किया है, ये भी जाएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता, जिन्होंने आज जातीय जनगणना को लेकर और आरजेडी के पार्टी कार्यालय में एक दिवसीय बैठक की, और उस बैठक के बाद जो उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जातीय गणना को लेकर विशेष तौर पर उन्होंने जानकारी भी दी, और कहा जिस तरीके से कर्नाटका में चुनाव जो बीजेपी हारी, उन्होंने कहा कि ये लोग जो है पटाखा तैयार करके रखे थे लेकिन जमीन के नीचे से उनकी जो है सब कुछ खसक गई, और भारतीय जनता पार्टी का और भी जो परिणाम है, और भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ में हर जगह से वो लोग जो है पीछे जा रहे हैं। अभी आगे जो होगा वो आप लोग के सामने होगा, और सभी लोग पटाखा जो है अभी जो फोड़ने वाले थे उनका बंद ही रह गया है, और लगातार जो है आरजेडी ये दावा कर रही है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ नीति भी बनाएंगे, और अब गणना को लेकर जिस तरह जातीय गणना पर स्टे लगा दिया गया था, अब 2 दिवसीय बैठक भी आरजेडी की और उनके जो बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो भी शामिल होंगे, और आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो भी दिखेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही, सहयोगी सस्सी के साथ मैं अविनाश सिंह, न्यूज़ 24 पटना।